यस दीप्स, हाँ जी, आपको ठीक लगी आइटम्स? थाली सज चुकी है। तो देखो, हलवा है, पालक पनीर है, ये तो बेस्ट है यार, सारी चीजें पसंद आ रही है। चलो बढ़िया, चने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज इतने टाइम बाद मैंने ना योगा एक्सरसाइज फिर से शुरू किया है। काफ़ी टाइम हो गया था, सोच रहा था शुरू करूँ करूँ, टाइम नहीं मिल रहा था, पर आज वो दिन आ गया जब मैंने शुरू कर दिया। और क्या होता है ना, हर एक चीज़ ना शुरू करना मुश्किल होती है, जब आप शुरू करते हो फिर धीरे धीरे हो ही जाती है, जब तक शुरू नहीं होती तो फिर आप उसको कर भी नहीं पाते हो। तो आज मौसम इस तरह का है कि आपको पता है मंडे हम लोग मंदिर जाते हैं, पर अभी लगी है बारिश, कल रात से ही बारिश है, अभी भी हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो अभी फ्रेशन अप होते हैं, मंदिर की तैयारी करते हैं, फिर निकलेंगे। तो मैं आपको शिमला का मौसम दिखाता हूँ सुबह सुबह। अभी धुंध कम हो चुकी है पर बारिश हल्की हल्की लगी है। और आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। अब जाके मैं नहा के फ्री हुई हूँ, फ्रेश हुई हूँ। अब मैं बनाऊंगी प्रसाद, क्योंकि आज मंडे है तो हम लोगों ने मंदिर जाना है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रसाद के रूप में हलवा बनाऊंगी थोड़ा सा। तो बस मैं सबसे पहले हलवा बनाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ और गीता पढ़ती हूँ, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, आज मेरा मन पता नहीं कुछ अजीब सा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मन नहीं था पहले बिल्कुल भी ऐसे उठने का, तो मैंने कहा चलो नहीं उठ जाते हैं, सुबह पूजा ज़रूरी होती है। तो बस सबसे पहले प्रसाद बनाती हूँ, उसके बाद फिर अपनी पूजा करके फिर हम लोग मंदिर जाएंगे, उसके बाद जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। और एक तो इतने दिन से ना मौसम इतना अजीब सा है ना, इसकी वजह से ना ना कहीं बाहर जा सकते हैं, तो आज देखते हैं क्या बनता है। नेहा तो नहा धो के रेडी हो चुकी है, और क्या बना रहे हो? भोग। गुड, बनाओ बनाओ, मैं नहा के आऊँ तब तक। साथ में बड़े ऊंची भजन लगे हैं। तो आपने हलवा बना दिया? हाँ, मैंने अपना पूजा कर लिया, बस मंदिर चलते हैं। पहले मैं सोचा कपड़े बाहर लगा लेती हूँ, हाँ। थोड़ी देर, बड़ी मुश्किल से तो धूप आई है। अच्छी चीज़ है कि अभी मंदिर जाना है ना, उससे पहले बारिश रुक चुकी है, हल्की सी धूप की उम्मीद लग रही है, और कपड़े धोए थे तो ये भी सूख जाएंगे। सही तो अगर बात आप रेडी हो तो चले। बस चलते हैं। और इस मौसम से ना थोड़ा सा ऐसा गंदा सा वो रहता है यार, मूड सा भी सुस्ती सी ज्यादा रहती है, इसीलिए चलो चलते हैं। तो हम लोग मंदिर पहुंचे भी और धूप भी निकल आई है, बादल छंट चुके हैं। तो आप सभी को माता रानी के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए, देखो बारिश हो चाहे तूफान हो, मंदिर तो सब पहुंच ही जाते हैं। लेट है ना इसीलिए। अच्छा, और मौसम भी ठीक हो गया ना, बारिश रुक गई, धूप आ गई, इसलिए सब लोग आगे हो गए। आज तो नंबर वेटिंग में चला गया आपका है। हाँ चलो, इनको करने दो पहले, ठीक है। आज तो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी। आज हम एक्चुअली लेट हैं, जो मुझे रियलाइज़ हुआ, उस वजह से जो है ना बहुत सारे लोग आ गए थे। लोग 8:30-9 बजे चले जाते हैं ना, तो होते नहीं है मैक्सिमम, जब आते हैं जो जैसे बच्चे छोड़ दिए, वो जाते हुए कहीं काम से जा रहे हो तो मंदिर भी आ जाते हैं साथ में, या फिर स्पेशल भी आते हो, ऐसा नहीं बोल सकते वैसे हम। तो अभी जैसे हम लोगों ने मॉर्निंग में आना था, पर बारिश भी थी तो थोड़ा थोड़ा डिले होता गया, तो इसलिए लेट होते गए। तो आज से फिर मैंने अपना योगा एक्सरसाइज फिर शुरू कर दिया है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। तो अब मैंने सोचा कि चलो यार, इट्स हाई टाइम। और अभी तक घूम रहे थे, शादी में बिजी थे, इधर उधर टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज से मैंने सोचा सोमवार भी है, शुरू किया जाए। तो अभी घर चलते, पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं ना। क्या कर रहे हो आप? यार मेरा पासपोर्ट ना वो एक्सपायर हो गया है, तो रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो अभी मेरे को याद आया, मैंने वो देख लिया, मुझे याद तो था कि एक्सपायर होने वाला, मेरे को ये नहीं पता था इतने जल्दी होने वाला है, तो रिन्यू तो करवाना ही पड़ेगा ना। और ज्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ ऑफिस पंथा घाटी में ही है। ये अच्छी चीज है, ये बस ये अच्छी चीज है, पर चक्कर बहुत लगवाते हैं। मुझे याद है जब मैंने अपना पासपोर्ट बनाया था ना, बहुत चक्कर लगे थे। चलो फॉर्म फिल करो, फिर एक बार ध्रुव से पूछ लेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, क्या बात है, वाह, मान गया आपको। क्या ये सदरी और ढाटू के साथ क्या करना चाह रहे हैं आप? अरे एक रील बनाने को थी, काफी टाइम हो गया था, टाइम नहीं लग रहा था, तो आज मैंने हिम्मत कर ली, अगर नहीं आलस बहुत हो गया है। ये ढाटू जो है गीतांजलि जी ने भेजा था, जब उन्होंने भेजा था तो इसकी रील नहीं बनाई थी, तो उन्होंने कहा था कि प्लीज एक रील बना के भेज देना, तो हमने सोचा कि अभी आज टाइम है तो बना देते। हाँ, तो फिर मैंने सोचा एक तो आलस लगती है, सच बताऊँ, अब तो मैंने कहा चलो कपड़े पहन लेते, कोई नहीं बना लेते, तो
बड़ी मुश्किल से। तो अब मतलब इतना टाइम हो गया ना कि रील छोड़ी दी है एक हिसाब से बनाना ना, तो समझ ही नहीं आता कि कौन सा गाना ट्रेंडिंग पे चला है, क्या चला है। तो आज अच्छी चीज ये कि मेरे हस्बैंड ने नहीं बोला कि साथ में मैं भी आता हूँ। पता ही नहीं ऐसा ढाटू गाना है तो इसलिए मैं नहीं आना चाह रहा हूँ। हाँ, और आज वैसे हमने बाहर जाने का सोचा था, थोड़ा सा हमारे को पोस्ट ऑफिस में भी काम था और उसके साथ ही एक शॉप है ट्रेंड्स आई थिंक थोड़ा शिमला में, तो मैं सोच रही थी वहाँ जाती हूँ कि जितने भी कपड़े हैं वो सब टाइट आ चुके हैं, मुझे आते ही नहीं है। तो फिर मैं कहा थोड़ा घर के लिए भी ले लेते हैं, तो अक्षय ने बोला कि चल यार कल जाएंगे, आज रहने देते हैं। तो शायद आज डिनर में दिव्यम भी इन्वाइटेड है क्योंकि हम तीन लोग ही आए यहाँ पूरे बिल्डिंग में। तो फिर चलो पहले रील बना देते हैं। ठीक है, तो कहीं बाहर जाने का आइडिया तो मुझे लगता है फेल हो गया कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है तो लंच तो कर लेते हैं, तो साथ में मैंने चावल डाले और यहाँ पे ब्लैक चने, क्योंकि रात को मैं सोच रही कि मैं ब्लैक चने और पूरी और हलवा बनाऊँ। मैंने दिव्यम को भी बुलाया है तो जो पूरी है उसके लिए मैं आटा भी से गूंद के रखती हूँ कि शाम तक थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा तो पूरियाँ अच्छी बन जाती है। तो बस अभी चावल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आटा भी बना देती हूँ और जो ब्लैक चने है वो गर्म पानी में भिगो देती हूँ ताकि शाम को अच्छे बने। क्या बात, डिनर की तैयारी अभी से ही हो रही है कि लंच की तैयारी है? नहीं, साथ साथ डिनर की भी है। अच्छा, ब्लैक चने भिगोए थे ना, तो क्या बनाओगे आज? कुछ नहीं, आज मैं ब्लैक चने बनाऊंगी और पूरी, और क्या जो बात मैंने सुबह बनाया था ना जो कढ़ाई, हाँ, वो भी दूंगी। तो आज पूरे बिल्डिंग में मैं, नेहा और दिव्यम ही है। हाँ। तो आज हमने सोचा था कि कहीं बाहर जाएंगे पर नहीं जा रहे क्योंकि रेस्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, और दूसरा ये कि आज हमें घर पे भी थोड़े से काम थे, मौसम भी थोड़ा खराब है और बारिश है तो बारिश में फिसलने का डर रहता है, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड किया। वैसे कल तो जाना ही है क्योंकि मैंने कुछ चीज बनाने को दी है, तो आई थिंक वो कल बन जाएगी क्योंकि उन्होंने ट्यूजडे बोला है। और इतने टाइम से पूरी खाने का मन कर रहा था पर उसे खाते नहीं है, तो आज मैंने इनसे पूछा कि प्लीज खा लो। फिर दिव्यम भी अकेला था, उसको भी बुला दिया। हाँ। कि अब ये नहीं पता वो पूरी खाएगा कि नहीं खाएगा, चलो और भी ऑप्शन रखेंगे। हाँ, चपाती बना लूंगी या मैं कुछ बना लूंगी, पर हम लोग पूरी आपको पता है स्टीम करके ही देते हैं तो वो उतना ऑयल भी नहीं होता और वो टेस्टी होती है, खाने में अच्छा रहता है, सॉफ्ट और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है चपाती। मम्मी को बोली थी सुबह ना अपनी मम्मी को कि पूरी आज मैं पूरी बनाऊंगी, मम्मी बोलते मेरा भी बहुत मन कर रहा है पर पापा खाते नहीं है ना, डाई को बना देते। मैंने कहा अपने लिए बना देना कोई बात नहीं, तो चलो अब लंच कर लो क्योंकि लंच टाइम से ऊपर ही चला गया है। तो अभी पानी आ रहा है तो मैं पानी चेक करने आया था। और एक और चीज़, आज 6 बजे जो है हमारा पॉडकास्ट आने वाला था और अभी अभी मेरे को नोटिफिकेशन आई कि पॉडकास्ट आ भी गए। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं दिल से दिल तक पॉडकास्ट विद प्रिया। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा अगर आप लोग डायरेक्ट वहां से देखना चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो अभी हमने भी नहीं देखा है, जस्ट अभी 6 बजे आ गया होगा। नेहा को मैं ये चीज़ बता देता हूँ और साथ में देखते पहले मैं और नेहा। आप लोग डायरेक्ट लिंक से देखना क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मैं ब्लॉग में शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा होगा ना, आई डोंट नो कितने घंटे का होगा, मेरे ख्याल से लगभग आधा एक घंटे का तो होगा ही होगा, तो इस पर मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। तो लेट्स सी, नेहा को बोलते, नेहा को बताते कि फाइनली टाइम आ चुका है, अपना पॉडकास्ट आ चुका है, देखते हैं मिलके। तो आईपैड में मैंने खोल दिया, ये देखो, यह अभी दिल से दिल तक पॉडकास्ट विद प्रिया ये चैनल है, दिल से दिल तक पॉडकास्ट। और ये देखो अभी हमारा अभी आया है 16th एपिसोड है, बाकी और भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं। तो मैं देखता हूँ, नेहा को बस बताता हूँ। नेहा ये देखो, अच्छा आ चुका है। तो मैं और आप पहले देख लेते बैठ के, बाकी मैंने कहा है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और स्टोरी वगैरह में भी शेयर कर दूंगा, तो बाकी वहां से देख सकते है ना। चलो भाई, आई एम वेरी एक्साइटेड, करते हैं इसका शुभारंभ। 1 घंटे का यार सबसे बड़ा लग रहा है मेरे को, लगता है हमारा ही है। जब से पॉडकास्ट आया तब से अक्षय बाहर ही बैठे स्टेयर्स पे, उस पॉडकास्ट देखने में इतने बिजी है कि कोई पता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ चाय भी उनकी बाहर ले जाती है और उनको पूछती हूँ कि कैसा लग रहा है उनको खुद को देख के। और आज शायद मौसम साफ हो जाए, लग तो ऐसे रहा है, इधर को तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, बाकी पता नहीं बारिश रात में भी आ जाती है। और मैं दिखाती हूँ अक्षय कहाँ बैठे हैं, ये देखो इंसान इतने बिजी है खुद को देखने में। थैंक यू। तो मैंने सोचा जब चाय तो आ गया साथ में अपना पॉडकास्ट भी देख लो, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, पता नहीं कौन अननोन पर्सनैलिटी एंड आई जस्ट वांट टू सी क्या बोल रहा है। आप ही हो ये?
थैंक यू जिसने इतना बोल बोल के अपना गला सुखा दिया बेचारी लास्ट में ये बोलती इसमें वो पार्ट भी है जहाँ पे ना एक टाइम पे मैं बोल रहा हूँ भूल जाता हूँ कि क्वेश्चन क्या था तो मैंने पूछा मैंने कहा आपने क्वेश्चन क्या पूछा था कितनी खुशी है ओह माय गॉड मेरे को नहीं पता देखो यार एंड पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे कि नहीं पर मेरे को तो बढ़िया लग रहा है मतलब अभी तक फिलहाल यहाँ तक देखा अभी आपकी इंटरव्यू भी होने वाली है इसमें मैं आपको सच्ची बताऊँ तो इसमें जो इंटरव्यू है वो आई थिंक 40 मिनट्स का अक्षय का ही है क्योंकि ये चुप ही नहीं हो रहे थे वो बेचारे खुद नहीं समझ पा रहे थे कि इनको हम कैसे चुप कराएं एंड में उन्होंने बोला कि अब नेहा आप आ जाओ नहीं तो अक्षय चुप नहीं रहेंगे वैसे आपको भी अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए बुलाओ लोगों को वो नेक्स्ट टाइम मना कर दे ऐसे 90-10 का रेशियो रखूंगा 90% मैं बोलूंगा 10% ही बोलूंगा चलो फिर लो मैं चिप्स लाई हूँ चाय के साथ एंजॉय करो आप अपना पॉडकास्ट सॉरी कैसा चल रहा है मेरे को तो शर्म आ रही है मैं खुद को नहीं देख पा रही आपकी एंट्री भी हो चुकी है और मैं आपको एक बार सच बताऊं आप देखोगे ना इसमें कुछ कोई कट जैसे हम व्लॉग्स बनाते हैं उसमें फिर भी थोड़ा कट करते हैं इसमें कुछ कट नहीं है मुझे खुद की वर्डिंग भी कई बार ऐसी लग रही है मतलब हाँ इन्होंने सब कुछ ही मतलब जिसको बोलते है ना कि सब कुछ ही रखा है कुछ कट नहीं किया है तो अच्छी चीज है आप लोगों के लिए मतलब नो फिल्टर पॉडकास्ट हो सकता है आप लोग देख सकते हैं इसमें कि क्या है क्या नहीं जान सकते हैं कि हम लोग कैसे हैं क्योंकि 10-15 मिनट में शायद आपको नहीं समझ में आता होगा हम क्या है कैसे है और इसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा शायद कि हमारी नोकझोंक इसमें भी चलती है हाँ सब कुछ कैसा चल रहा है मेरे को तो शर्म आ रही है मैं खुद को नहीं देख पा रही आपकी एंट्री भी हो चुकी और मैं आपको एक बार सच बताऊं आप देखोगे ना इसमें कुछ कोई कट जैसे हम व्लॉग्स बनाते हैं उसमें फिर भी थोड़ा कट करते हैं इसमें कुछ कट नहीं है मुझे खुद की वर्डिंग भी कई बार ऐसी लग रही है मतलब हाँ इन्होंने सब कुछ ही मतलब जिसको बोलते है ना कि सब कुछ ही रखा है कुछ कट नहीं किया है तो अच्छी चीज है आप लोगों के लिए मतलब नो फिल्टर हाँ पॉडकास्ट हो सकता है आप लोग देख सकते हैं इसमें कि क्या है क्या नहीं जान सकते हैं कि हम लोग कैसे हैं क्योंकि 10-15 मिनट में शायद आपको नहीं समझ में आता होगा हम क्या है कैसे हैं और इसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा शायद कि हमारी नोकझोंक इसमें भी चलती है हाँ। तो शायद आपका अब सब काम कंप्लीट हो चुका होगा बस स्टोरी डाल रहा था अक्षय का बिल्कुल मन नहीं है आप 2-3 बार और देख लो जब तक मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा और पता चल चुका है तो मैंने सोचा कि यार शेयर कर लेते जब इतनी मेहनत की है नहीं ठीक है अच्छी बात है और इसके बाद पूजा भी करनी है और पहले आप शॉप चल जाओ क्योंकि दूध नहीं है क्योंकि अगर दूध कैश पड़ा हुआ है वो ले जाओ दिव्यम को भी बोलना पड़ेगा उसको बोला आ, वैसे देना उसको, पड़ेगा, इतने टाइम में आ जाए हाँ दे देना खाना वैसे भी बन गया है पूरियां ही बनानी है अब ओके मैं बस एक बार क्या बात है फटाफट पूरियां भी तैयार हो गई है वाह और ये देखो अभी यहाँ पे पूरियां बन रही है इसके बाद इसको स्टीम करेंगे वो भी बताएंगे आपको कैसे करना है और फिर बताएंगे देखो अभी इस तरह से ना ये पूरी है पूरी में देखो ऑयल और एक बार जब स्टीम हो जाएगी ना तो इसका मैक्सिमम ऑयल जो है ना वो निकल जाएगा और ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो अभी चलो बनाओ आप तब तक है ना तो अपना खाना तो बन चुका है कब बुलाना है दिव्यम को बस थोड़ी सी जो पूरियां है वो स्टीम हो जाए उसके बाद ठीक है चलो वो पड़ रहा होगा ना हाँ तो फिर उसको डिस्टर्ब तो आपने बताया नहीं स्टीम का तो अपनी पूरियां इज रेडी तो देखो इस तरह से स्टीम की जाती है तो एक बार ऑयल चेक करवाना इसमें ऑयल बचा है कि नहीं अभी तो हुई नहीं ना अभी तो वाह देखो कितना कम हो गया और उस टाइम पे ऐसे हाथ लगा के इतने ज्यादा लग रहा था अब बहुत ज्यादा कम हो गया अब सिर्फ 5-7 मिनट उसके बाद फिर और फिर ओके रिपोर्ट हो जाएगी ना ठीक है हमारे बीच में हमारे सबसे छोटे भाई दिव्यम आ चुके हैं हाय दिव्यम कैसे हो आप बहुत बढ़िया काफी टाइम बाद मिल रहे हम हाँ जी अभी आए थे आपके घर आप उस दिन बीमार थे हाँ जी और कैसी चली आपकी स्टडीज चल रही बढ़िया तो आज हम लोग ही थे 3 बिल्डिंग में तो मैंने सोचा कि चलो यार एक साथ ही खाना खाते हैं 3 ही तो लोग हैं तो आज आपके लिए ना भाभी ने कुछ विशेष बनाया है अब आपको पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं वो आपको थोड़ी देर में ही पता चलेगा अभी बता दिया तो हो सकता है आपका मूड खराब हो जाए तो इससे अच्छा धीरे धीरे हैं खा लेगा ऐसा और आपका रेडी है खाना यस चलो फिर करे सर यस दीप्स हाँ जी आपको ठीक लगी आइटम्स थाली सज चुकी है तो देखो हलवा है पालक पनीर है चलो बढ़िया चने हैं और ये आपकी पूरियां हैं तो आई होप आपको अच्छा लगे पनीर भी है हाँ खाओ आप शुरुआत करो तो मेरा और दिव्यम का डिनर तो हो चुका है दीप्स कैसी लगी आपको पूरियां
स्वादिष्ट। ये नॉर्मल पूरी जो हम तल के खाते हैं और ये स्टीम वाली है, तो आपको लगा कुछ डिफरेंस खाने में? हाँ, मतलब वरना पेट भर जाता था, है ना, तो दो पूरी खा के ऐसा हो जाता था, और ऑयल भी बहुत लगता था, और इससे बहुत लगती थी प्यास भी बहुत लगती है, और सुस्ती भी बहुत आती है उस पूरी को खा के। इसका एक चीज अच्छा ही है कि इसकी एक चीज अच्छी है कि ऑयल बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल ही कम हो जाता है, ऑयल सैचुरेट हो जाता है, और सॉफ्ट भी रहती है खाने के लिए, तो मजा भी आता है खाने का। और अभी वॉक करने चल रहे हो आप? मैं तो घर जाऊंगा ना। अच्छा, पढ़ाई? हाँ ठीक है, तो अभी मैं और नेहा तो चलो थोड़ा सा वॉक कर लेंगे आफ्टर डिनर। और थैंक यू सो मच आप आए, और आई होप आपको डिनर अच्छा लगा हो अपने भाभी के हाथ का। तो जल्दी हम फिर से मिलेंगे जरूर। तो हम लोग तो आ चुके हैं वॉक करने, और डिनर भी अपना हो गया है बढ़िया एकदम। और अच्छी चीज़ है कि दिव्यम को भी अच्छा लगा, तो इस चीज़ का हमें अच्छा लगा कि चलो दिव्यम को ऐसा नहीं था कि क्या बना दिया है, क्योंकि कई बार होता है ना यार पूरियां सब लोग नहीं खाते, और एक्सपेरिमेंटल पूरी थी दिव्यम के लिए, तो तेल वाली ना खा के स्टीम वाली, पर उसको अच्छी लगी, ये चीज ठीक थी। भारी भी नहीं होता ना उससे, नहीं तो पूरियां खा के मतलब आलस भी आ जाता है, नींद भी आती है, और सुस्ती तो होती है, तो फिर बंदा सोचता है कि नहीं खानी है रात को, और हैवी होती है ऊपर से अगर वैसे ही खाया जाए तली हुई। आज पॉडकास्ट देखा, काफी अच्छा लगा, बार बार हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अब आप आई होप आप लोग उसको देख ले, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ पे देख लेना, नहीं तो पॉडकास्ट विद प्रिया सर्च करना, आपने वहाँ पे मिल जाएगा। और अब हम थोड़ी देर वॉक करते हैं, कल का कुछ प्लान ऐसा था कि हम लोगों ने मॉल रोड जाना था, स्टूडियो 7, जैसा हमने आपको बताया था कि हमने एक फ्रेम दिया है काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बनाने को, पर वो बनी नहीं है, तो कल तो नहीं, वो परसों तक बनेगी, चलो देखते हैं कैसा कैसा बनता है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि कल शायद बन जाएगी, पर नहीं बन पाई, चलो कोई नहीं परसों तक वेट कर लेते हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षित दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।